you money at the mosque? So, स्वागत है एक बार फिर से आपका महामोहिम की क्लास के बाद साइंस पर कुछ विचार हो जाए बहुत बहुत स्वागत है. गुड इवनिंग, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन द यूपीएससी 101 एंड आई अभिषेक एज योर मेंटर, एज योर गाइड, एज योर इंस्ट्रक्टर वेलकम यू अगेन राइट फॉर दिस ग्रैंड जर्नी ऑफ साइंस जिसमें हम कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं राइट और आप लोग भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है. मतलब मुझे जो टेलीग्राम पे आपके मैसेजेस होते हैं ठीक है they like make me feel like anything in this world. So thanks for all those warmth, affection guys. So एक बार देख लेते हैं कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है ठीक है. So चलिए सॉरी थोड़ा सा वो मैं पॉज करना भूल गया. आई वॉज नॉट विजिबल मेरी आवाज़ तो आ ही रही थी ठीक है. सो स्वागत है आप लोगों का फिर से. सो गाइस जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए इससे पहले ग्रुप वगैरह में बिकॉज जल्दी से जो मैक्सिमम लोग आ सकते हैं वो आ जाएं ठीक है. सो चलो देख लेते हैं प्रज्ञा पूजा कपिल मयंक बाबू कैसे हैं. अखंड सिंह वेरी नाइस टू सी यू हेयर. भावना सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग. प्रगति अखंड कनिष्का कैसे हैं कनिष्का आप ये भी बताइएगा. फैज साहब सलाम वालेकुम आपको ठीक है. अनु हिमानी यस. राशि राहुल सौम्या सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग बहुत बहुत गुड इवनिंग. अनमता वालेकुम सलाम कैसे हैं आप ये भी बताइएगा. फैज साहब आप भी गुड इवनिंग सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग गाइस. सो पहले गलती सेशन थोड़ा सा अपने ग्रुप्स वगैरह में गाइस शेयर कीजिए ठीक है. पंकज सर महामोहिम अर्चित सर जहाँ भी हैं आप लोग प्रवीण सर सबको बताइए ठीक है. जरा जल्दी जल्दी उसे वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जो आ सकते हैं आ जाते हैं क्योंकि मैं देखता रहता हूँ क्लास शुरू होती है तो मुझे लगता है कि आधे क्लास तक लोग आते रहते हैं ठीक है. सो एंड आई होप कि जुबित सर का जो दिल आप लोगों ने तोड़ा है ठीक है उसकी भरपाई करेंगे बिकॉज जो दिल तोड़ने वाले होते हैं उन्हें मरहम लेके भी आना होता है समझ रहे हैं ना बात. सो टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों के मैसेज देखे हैं दैट वाज नॉट वेरी लाइक इंचैंटिंग बिट ऑफ डिसहार्टनिंग इट वॉज अ बिट ऑफ डिसहार्टनिंग डेफिनेटली. लेकिन चलिए इट्स ओके हो जाती है गलतियाँ लाइक इफ टू एयर इज द ह्यूमन अगर हम इंसान हैं तो हमारी एक सबसे बड़ी फितरत है कि हमसे गलती होती है. सो ध्यान रखिएगा जो गलती करता है उसे ही मलहम लेके आना होता है ठीक है. ये काम आप लोगों का है. सो रिगार्डिंग दिस मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज भी किया था ठीक है. तो चलिए गाइस कहानी को अपने शुरू कर देते हैं. हम क्या करने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के कंसेप्ट हैं. फ्लावरिंग प्लांट जो क्लास खत्म हुई थी वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ कंटिन्यू रहनी है ठीक है. सो फ्लावरिंग प्लांट्स नाम तो आप जानते ही हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स देख के सुन के फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वो प्लांट जिसमें फ्लावर है ठीक है. ये बात तो कोई भी समझ सकता है बट एक जो ये वर्ड यहाँ पे एंजियोस्पर्म यूज किया गया है वो हमारे ज्यादा काम की चीज है. तो इस कहानी को गाइस हम यहीं से पढ़ाते हैं. ये साइंस वाला सेगमेंट है जो मैं 5 बजे लेता हूँ ठीक है. दैट इज ऑन मंडे
थर्सडे एंड फ्राइडे, और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे लगातार हिस्ट्री पे, तो हम अपने विचारधाराओं के प्रवाह में, ठीक है, पहले मैं बहता हूँ फिर आपको लेके उसमें डुबाते रहता हूँ, ठीक है। सो ये हिस्ट्री वाला सेगमेंट था, देन दिस इज माई गाइज टेलीग्राम चैनल थोड़ा स्टडी विद अभिषेक, इसको आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, जस्ट हमारे वन टू वन इंटरेक्शन के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है। एंड दिस इज प्रोमो कोड दैट इज ER101, जहाँ पे जिसे आप यूज करेंगे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, तो आपको जो कन्वेंशनल डिस्काउंट है वो मिल जाता है, और कुछ अमेजिंग चीजें हैं उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सो पहले मैं गाइस आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा एक इंटरकनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या हम कर रहे थे, क्या हम नहीं कर रहे थे। लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइंड इन द सेंस कि बस मुझे वो इंटरकनेक्शन दिखा देना होता है, क्योंकि साइंस की जो ये क्लासेस है, साइंस टेक वाली, लाइफ साइंस वाला सेगमेंट, वो 3 दिन होता है, तो थोड़ा सा एक ब्रेक जैसा आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। सो हमने तो भाई सेल्स को क्लासीफाई किया था, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की कहानी हो गई थी, यहाँ पे मैंने आपको काफी स्पेशली एक्सक्लूसिवली बताया था। यहाँ पे फिर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को भी हमने सेग्रीगेट किया था इन कैटेगरीज में, इनकी बातें देखी थी। सेल डिवीजन की कहानी तो पीछे हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जो जेनेटिक्स वाला एरिया है, जो हेरिडिटी अनुवांशिकता वाला क्षेत्र है, मैं बार बार कहता हूँ गाइस कि यही साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक लाइन में इसके साथ हमेशा जोड़ के कहता हूँ कि भाई हृदय की अगर बहुत बड़ी तस्वीर बना के और 4 घंटे मैं आपको हृदय पढ़ाता चला जाऊँ, तो इससे अच्छा है कि आप नीट की तैयारी करके MBBS में कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें। ये बात कभी नहीं भूलना है कि हमें कौन सा साइंस चाहिए फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विसेज, बीट UPSC और स्टेट PCS। फिर हमने रिप्रोडक्शन पे आए थे, रिप्रोडक्शन पे जब हम आए थे तो हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें की थी। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें हुई थी तो उसमें मैंने आपको इसके कुछ टाइप्स बताए थे, लाइक बाइनरी फिशन, बर्डिंग, अगर किसी को याद है तो जल्दी से दिमाग में सोच ले कि बैक्टीरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में मैंने बताया था। फिर स्पोर फॉर्मेशन जो फंगस में, कवकों में होता है एसेक्सुअली, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर ये भी मैंने बताया था कि वायरस में जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो थोड़ा सा अलग है, और साथ साथ ये भी कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, खास करके बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ठीक है। यूपीएससी के लास्ट क्वेश्चन, साइंस में बहुत जल्द ऐप पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, विद इन 1 to 2 days मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो आया हुआ है उसमें फिर आप फैसला कीजिएगा कि एक साइंस जो आप जनरली देखते रहते हैं या फिर ये जो साइंस है यूजफुल कौन है, सारा ये आप फैसला कीजिएगा गाइस। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट इज वानस्पतिक प्रवर्धन, और बीजाणु निर्माण दैट इज स्पोर फॉर्मेशन की बात की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था दैट स्पोर्स और सीड्स के बीच का अंतर मैंने बताया था, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली ओव्यूल्स होते हैं, जो डिम्ब होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स सेल जिसे कहा जाता है, और जो फ्रूट होता है वो ओवरी होता है। उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अमेजिंग कंसेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, जो पिछली बार की BPSC में एक क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। मतलब मेरा कोई क्लेम स्यूडो क्लेम नहीं होता है, जो मैं कह रहा हूं ऑनेस्टली आपके सामने कह रहा हूं, यू कैन अटेस्ट दैट थिंग, द ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बस ऐसे ही आ जाता है, वाटरमेलन, एप्पल, कोकोनट और एक और बनाना, इसमें कौन सा ट्रू फ्रूट है। सो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आउटस्टैंडिंग है, और जनरली हार्ट की तस्वीर बना के 4 घंटा पढ़ने के प्रोसेस में हम ये सब पढ़ना ही भूल जाते हैं। सो यही फोकस, ये चीजें मेरा सबसे ज्यादा फोकस है हमारी साइंस की क्लास में, जो एक्चुअली हमें नीडेड है, ठीक है गाइस। सो ये सब हो गया था, उसके बाद बेसिकली अब हम जिसे प्लांट्स आपने क्यों लिखा मैं बताता हूँ। फिर जब हम प्लांट्स में आए थे, प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, देखिए प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लाइक प्लांट्स में बडिंग भी होती है, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में थे वो भी होते हैं, जैसे गुलाब की एक टहनी काट के लगा दिया तो वो पेड़ बन जाता है, इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सो प्लांट्स में स्पोर, मतलब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, डिफरेंट प्लांट्स, जैसे बडिंग है, ठीक है, तो एक लाइक छोटी सी टहनी का निकलना एक तने से, दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ द बडिंग, ठीक है। सो बडिंग इज व्हाट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो पीछे आपने देखा। सो देन द पॉइंट इज प्लांट्स में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो वाला मुद्दा हम आगे लेके बढ़े थे, जहां पे एंजियोस्पर्म की बातें आई थी। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, प्लांट्स का एक रफ क्लासिफिकेशन गाइस मैं आपको यहां पे एक वो क्लासिफिकेशन बताऊं जो हमारे काम का होता है। तो प्लांट्स को बेसिकली पहले एंजियोस्पर्म, देखिए बहुत तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के, हम उन क्लासिफिकेशंस को हैंडल करेंगे जो हमारे काम की चीज है। सो एंजियोस्पर्म, और फिर एक शब्द आता है जिम्नोस्पर्म,
ये दो शब्द आपको अभी का अभी रट लेना है, इस पर हम बातें भी करेंगे। और एंजियोस्पर्म को फर्दर स्प्लिट कर दिया जाता है मोनोकॉटिलीडन, मोनोकॉटिलीडन और फिर डाइकॉटिलीडन, ठीक है। सो ये मोनोकॉटिलीडन क्या होते हैं, डाइकॉटिलीडन क्या होते हैं, मतलब ये जो भी है ये एंजियोस्पर्म के एग्जांपल्स हैं। फिर जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, फिर द कंसेप्ट ऑफ ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, और इन सब से अगर टाइम बच जाता है तो मैं वो एरिया भी जरूर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कौन से फल में क्या एक्चुअली वो हिस्सा होता है जो फल के रूप में डेवलप होता है, या किस प्लांट का कौन सा हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे किसी का रूट कंज्यूम करते हैं, किसी का फ्रूट कंज्यूम करते हैं, किसी के लीव्स कंज्यूम करते हैं, ये सब एरियाज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। सो अगर इन चीजों से टाइम मिल जाता है तो डेफिनेटली वो दुनिया भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इन सब चीजों में मतलब कहीं से आप गलती ना करें, ठीक है, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। अगर आप जुडिशियसली मुझे फॉलो करते हैं तो गलती नहीं होगी, दैट्स माई अश्योरेंस, राइट। सो प्लांट्स का एक रफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे याद रखना है आपको, दैट प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म। हिंदी पे भी आएंगे, अभी बस रफली मैं दिखा देता हूँ, शुरू करने से पहले ये भूमिका आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सो दैट इज एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर स्प्लिट किया गया दैट इज मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन में, ठीक है, अभी इतना क्लियर, राइट, आगे बढ़िए। सो इसी में ये एंजियोस्पर्म आपके सामने है, दिस इज फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं इसे, हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट यू कैन सी, कमेंट्स में देखूंगा आप लोगों के, आप डाउट्स भी पूछिएगा जरूर, ठीक है। लेकिन क्लासेस की स्पीड को थोड़ा सा हमें क्लासेस को स्पीड अप थोड़ा करना जरूर पड़ेगा, बिकॉज वी हैव अ डेडिकेशन ऑफ 75 डेज, और वो कोई ऐसा फॉल्स फ्रूट की तरह फॉल्स डेडिकेशन नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। और ये भी आप कहीं से भी मत सोचिएगा, हो सकता है ना कि आपकी अपनी विचारधाराएं हों, ऐसे होता है वैसे होता है, और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चीजें काफी अलग दिख रही हैं आपको, वो टेलीग्राम पे आपसे साथ जुड़कर आप समझ में आता है और अप्रिशिएट भी आप कर रहे हैं। सो आप ये मत सोचिएगा कि सर ऐसे कर रहे हैं तो सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, क्योंकि इन दैट प्रोसेस यू आर गेटिंग गाइडेड बाय योर ओन प्रेजम्पशंस, यू हैव ऑल्सो सीन, यू हैव ऑल्सो इमेजिन, यू हैव ऑल्सो अज्यूम्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ल्ड इनसाइड यू बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस, राइट। सो वो दुनिया आपको जो आपके कुछ निष्कर्षों को या कंक्लूजन को लेने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा थोड़े देर के लिए रोक दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज हम समझ रहे हैं, जैसे अभी क्लास में साइंस के लिए तो ये प्लान है 75 डेज के लिए, लाइक इट्स हिस्ट्री क्लास तो प्लान है 75 डेज के लिए। सो वहां पे कहीं भी कोई सेकंड थॉट अपने दिमाग में आप मत रखिएगा, ठीक है, कि भाई सिलेबस कैसे, वो हमारे ऊपर छोड़िए, ठीक है। बाकी आपका जो अपना कर्म है, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, उस पे जो आप लोगों का डेडिकेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज प्रेज़वर्दी एंड टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट, राइट। सो एंजियोस्पर्म पे आते हैं, प्लांट का जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तोड़ा था हमने, सो दैट इज लाइक फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं आवृत बीजी, इसे हिंदी में कहा गया है। अब इसमें जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, और ये बात मैंने क्लियर कह दिया है, ठीक है, कि प्लांट में सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया आपका, फिर बडिंग हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। जैसे तने से एक छोटी सी टहनी का निकलना, वो है ना छोटा सा निकलता, तो फिर वो क्या होता है, नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ बडिंग, ठीक है। सो प्लांट्स में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, उसी के लिए कुछ पार्ट्स हैं जो फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये क्लास में मैं पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था, ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पे आते हैं। सो देखिए यहाँ पे हिंदी भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, हिंदी इसलिए लिख दिया है बिकॉज कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो एक बार जल्दी जल्दी मेरे को बताइए, ठीक है, एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स, गुड इवनिंग सर, पवन बाबू बहुत बहुत गुड इवनिंग, ध्रुव, एंथर, फिलामेंट एंड स्टेमन, यस सर, एंजियोस्पर्म, ओके सर, गुड इवनिंग सरिता, बहुत बहुत गुड इवनिंग। अभिषेक, बाइनरी फिशन का नाम अभी क्यों ले रहे हैं आप, वो तो खत्म हो चुकी है हमारी कहानी सेल डिवीजन की, ठीक है। पूजा, मैंने तो लगा कि भाई भी देख ली सर, रोज की ब्रांच ग्रो हो गई, यस पूजा, वैसी दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकली इन चीजों को महसूस कर रही हैं आप, नाइस टू सी दैट, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कनिष्का, बैक्टीरिया एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फिशन, वेरी नाइस, सही बात है, एकदम सही बात है, बाइनरी फिशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एकदम सही बात है, गुड इवनिंग गायत्री, तृप्ति, सबको सबको बहुत सब आंसर भी दिया आपने, बाइनरी फिशन देख लिया मैंने, ठीक है, और एसेक्सुअल होता है वो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़िए, इस कहानी को आगे बढ़ाइए। ग्रुप्स वगैरह में कहीं शेयर कर दिया है ना आप लोगों ने, ये मत भूला कीजिएगा, ये छोटा छोटा कोऑपरेशन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ उस पर थोड़ा सा खड़ा उतरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, वही हमारा इनाम होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली आप जानते हैं दैट
यू नीड द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, दैट इज मेल सेक्स सेल एंड द फीमेल सेक्स सेल. सो किसी भी फ्लावर में आप देखिए, वहीं पे मैंने आपको बताया था दैट प्लांट्स जो हैं बेसिकली वो क्या कहते हैं, नहीं ये छोड़िए, ये से छोड़िए अभी ऐसा, ठीक है. सो प्लांट का बेसिकली ये फ्लावर आपके सामने है और इसमें ये स्टेमन, हिंदी भी मैंने लिख दिया है, देखिए स्टेमन का मतलब यू हैव द पुंकेसर. हिंदी वाले लोग ना ये थोड़ा शब्दों को हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो आप लेते ही हैं, सो उसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा हिंदी में, बिकॉज दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टेमन इज पुंकेसर, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फ्लावर में ये वाला हिस्सा. देन यू हैव द एंथर इज पराग कोश, वहां पे देखते रहिए, एंथर पराग कोश, और फिलामेंट को केसर या तंतु कहते हैं, ठीक है, सिर्फ नाम और उसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए. और ये जो बेसिकली होता है दैट इज बेसिकली योर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. और फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, मोनोसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव द कंसेप्ट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब आगे आएगा अभी, ठीक है. सो जिस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट होता है उसे फीमेल पार्ट की जरूरत पड़ती है. अब वो कैसे आता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जो आगे का चल के हम देखेंगे, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन. बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट सब कुछ एक साथ होता है, सो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई मतलब नहीं हो जाता है, परागकरण की प्रक्रिया जिसे कहते हैं सब होगा धीरे धीरे, होल्ड ऑन, तब हड़बड़ाइएगा मत और इंपेशेंट मत होइएगा, ठीक है. सो दिस इज एंथर, जिसे आपने पराग कोश कहा, फिर फिलामेंट जिसे तंतु या केसर कहा, और स्टेमन जिसे पुंकेसर कहा, इन दोनों को एक साथ, एंथर को और फिलामेंट को एक साथ हम स्टेमन कहते हैं. सो दिस इज बेसिकली योर मेल पार्ट, ये मेल पार्ट हो जाता है प्लांट का, ठीक है. ये फ्लावर देखिए, इसमें इस फ्लावर में दोनों ही हिस्से, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों ही है, सो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आऊंगा मैं इसमें, आगे आऊंगा, बट अभी मैंने आपको बता दिया ये सब. उसके बाद इधर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, स्टिग्मा करके जो पिस्टिल लिखा हुआ है, पिस्टिल का हिंदी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज गर्भ केसर, पिस्टिल इज गर्भ केसर. मैं थोड़ा सा हटके बताता हूँ, ठीक है. पिस्टिल बेसिकली तीन हिस्सों को कहा जा रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा का मतलब योनि छत्र, स्टाइल मतलब वर्तिका, एंड ओवरी मतलब अंडाशय, आप जानते हैं जहां पे डिंब उत्पन्न होता है, ठीक है. सो स्टिग्मा इज योनि छत्र, यहाँ पे हो गया. स्टाइल इज योर वर्तिका, स्टाइल इज वर्तिका, एंड ओवरी इज अंडाशय, ठीक है. इन तीन हिस्सों को एक साथ, और आप देख भी सकते हैं ये वाला हिस्सा, अब देखते तो है किसी फूल को इमेजिन कीजिएगा, बीच में जो छोटी 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 रेसे जैसे दिखते हैं ना, उसमें एक बड़ा सा दिखता है, बहुत सारे रेसे रेसे जैसा दिखता है बीच में फ्लावर की, किसी फ्लावर के बीच में, और फिर एक बड़ा सा दिखता है, वो वाला ये पार्ट है, ठीक है. उसका जो टिप होता है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, और हिंदी भी उसका नाम ऐसे दिखेगा, योनि छत्र. छत्र मतलब विच इज लोकेटेड एट द टॉप, ठीक है. सो दिस इज स्टिग्मा. स्टाइल इस हिस्से को कहा जाता है जो फाइनली स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, दैट इज बीज, जिसे आप डिंब कहते हैं, ठीक है, वो ओवरी के अंदर होता है, और आप जानते हैं दिस इज द फीमेल सेक्स पार्ट, ठीक है. सो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को एक साथ कहा गया पिस्टिल. पिस्टिल का हिंदी आपका हो गया गर्भकेशर. सो दिस इज योर बेसिकली फीमेल सेक्स पार्ट, राइट. ये फीमेल सेक्स पार्ट हो गया, ये मेल सेक्स पार्ट हो गया, राइट. अब ये दोनों कंबाइन होंगे और फिर निषेचन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन होगा. सो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है इन प्लांट्स अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, राइट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. और जिम्नोस्पर्म में भी यही होता है, बट जिम्नोस्पर्म थोड़ी सी अलग कैटेगरी होती है जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू पॉलिनेशन, जिसे परागकरण कहते हैं, हम आते हैं इस पर, ठीक है. एग्जैक्टली ये कहानी वैसी है, इसे थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करके देखिएगा कि मेल सेक्स पार्ट, जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्म इज द मेल सेक्स सेल, ओवम इज द फीमेल सेक्स सेल, दोनों कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज निषेचन होता है इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, ठीक है. वहां पे निषेचन होता है, फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जायगोट एम्ब्रायो का रूप लेता है, और फाइनली एक इन्फेंट का रूप लेता है. सो एग्जैक्टली वही कहानी है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है. नाउ मेल पार्ट में बेसिकली अगर आप, अच्छा, सो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, दिस इज मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, ठीक है. अभी इसको मैं खत्म करने के बाद, मैं जब स्क्रीन के सामने नहीं रहता हूं और मेरी आवाज आते रहती है, इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि उस समय स्क्रीनशॉट लेना है. और जो ये हिंदी वर्ड्स हैं, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिंदी वर्ड्स, हिंदी वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी के हिस्सों के लिए परेशान मत होइएगा अभी, ठीक है. सो बाकी के हिस्से उसको एज इट इज रखिएगा. यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो हिंदी लिखा है, उसको जरूर अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, राइट. ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली होता क्या है, सिंपल सी बात है. देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स जनरेट पॉलेंस
पॉलिन्स मतलब वही पराग जिसे आपने कहा था, ओव्यूल्स सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब फल बन जाता है तो ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी कि जब फल का निर्माण होता है उससे पहले फूल का निर्माण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फूल के बिना फल नहीं हो सकता, पहले फूल फिर फल, क्योंकि जो ये रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जहां मेल और फीमेल सेक्स पार्ट कंबाइन हो रही हैं, दैट बेसिकली हैपेंस इन द फ्लावर। वो जो पीछे का डायग्राम था वो बेसिकली इस फ्लावर का था जो आप देख रहे हैं, ठीक है, फ्लावर का था। तो फ्लावर पहले होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एंड देन फ्रूट विल बी प्रोड्यूस्ड। और वहां पे ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है कि फ्रूट इज नथिंग बट द ओवरी, फीमेल पार्ट, ओवरी जो पीछे दिखाया था आपको फ्लावर में, और सीड्स आर नथिंग बट द ओव्यूल्स, डिंब जिसे कहते हैं, ठीक है, फ्लावर में ये हिस्सा बेसिकली होता है। ये सब इतने टिपिकल बातें हैं ना गाइस कि एग्जाम में ये तहस नहस करके छोटी छोटी बातें आपको रख देती हैं। और फिर मैं कहूंगा आप लाइफ साइंस पढ़ने के दौरान या साइंस टेक पढ़ने के दौरान हार्ट के 4 घंटे का डायग्राम पढ़ते रहते हैं और आपको लगता है साइंस बहुत जबरदस्त आ गया। आई मीन एक सेंस है, सी आप एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हैं, सो आप MBBS डॉक्टर तो बनने जा नहीं रहे, ठीक है, सो आपके साइंस में भी वो कंटेंट जनरली आपसे जानने की कोशिश की जाती है जिसका डे टू डे लाइफ में यूज है। मतलब अगर फसलों में अधिक उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका एक रीजन हो सकता है पॉलिनेशन की कमी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब आप DM बन गए और आप पॉलिनेशन का मतलब ही नहीं समझते हैं तो आप फसलों के इस परिदृश्य को, इस पर्सपेक्टिव को कैसे समझ पाएंगे? और आप क्यों पढ़ेंगे हार्ट की 6 घंटे की पढ़ाई? ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो यू हैव टू बी, देखिए सिविल सर्वेंट्स के बारे में एक कहावत होती है, यू हैव टू बी द जैक ऑफ द ऑल एंड द मास्टर ऑफ द नन। जैक मतलब जे, जो गुलाम वाली पत्ती होती है ना कार्ड में, जे जो ना तो बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी जे ऑफ द ऑल, जैक ऑफ द ऑल, उसे इंग्लिश में जैक कहते हैं, हिंदी में गुलाम कहते हैं, ठीक है, और मास्टर ऑफ द नन। मास्टर तो आपको बनना नहीं है ना, मास्टर तो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं। यू आर नॉट द स्पेशलिस्ट, योर डेफिनेशन एज अ सिविल सर्वेंट इज इन वन वर्ड डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अ जनरलिस्ट, यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट। सो जनरल बातें आपके सामने, आपको समक्ष लाई जाएंगी। ऐसा ना हो कि भैया DM बन के किसी अपने क्षेत्र का दौरा करने जाते हैं जहां पे कोई इंफेक्शियस डिजीज, जैसे कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हो सकता है हैजा, हो सकता है कुछ भी, समथिंग लाइक दैट, डिप्थेरिया आउटब्रेक, कुछ भी, ठीक है, और आप जाते हैं और फिर लोगों से बातचीत करते हैं और मनी मन ये सोचते हैं या फिर अपने अपर अथॉरिटीज को ये कहते हैं कि सर मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है, बिकॉज मैं तो बीटेक हूँ। बीटेक हूँ, डोंट टेक इट ऑन द हार्ट, इट्स जस्ट लाइक कि मैं बीटेक हूँ और इसलिए मुझे ये लाइफ साइंस का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे कोई रिपोर्ट बनाऊँ। इसलिए आपको वो जनरल बातें पढ़ाई जाती हैं, डिजीजेस, विटामिंस, प्रोटीन्स, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट के बारे में बेसिक जानकारी, जेनेटिक्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एरियाज हमारे काम की है गाइस, बायोमोलिक्यूल्स, न्यूट्रिशन, ठीक है, डिजीजेस, ताकि ये चीजें आप समझ पाए। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैं उन्हीं एरियाज पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं एंड विद एन एक्सपेक्टेशन कि आप समझेंगे कि यही आपकी जरूरत है, राइट। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सब होते हैं, केसर का उत्पादन होता है, ओव्यूल्स का होता है, सीड्स का होता है, फ्रूट्स का होता है। सीड बेसिकली ओव्यूल्स बन जाते हैं, फ्रूट बेसिकली ओवरी होते हैं, ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़िए। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैपेंस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागकरण या परागीकरण, ये मैं बता चुका हूं, हिंदी में भी फिर से यहां पे लिखा हुआ है, पॉलिन का मतलब पराग, सो इट्स ओके। पॉलिनेशन के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का कंबाइन हो जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं निषेचन, ठीक है। सो पॉलिनेशन के द्वारा होता है, पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर लैंड ऑन द स्टिग्मा। ये सब याद है ना, एंथर का मतलब पराग कोश और स्टिग्मा का मतलब योनिक छत्र, ठीक है, फिर से वापिस जाके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, After pollen grains land on the stigma, a pollen tube grows from the pollen grain through the style and into the ovary. कहानी खत्म। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको तकलीफ भी हो गई तो कोई बात नहीं। If I get back to the previous slide, I will show you that. देखिए, वो जो क्या लिखा हुआ था ना, वो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। This is the male part. Now you better know this is the male part, right? This is the male part that is a stamen. So, यहां पे एंथर में पॉलिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एंथर वाला हिस्सा है ना, दैट इज पराग कोश, नाम ही क्या है, जहां पे पराग का कोश है, भंडार है। सो यहां पे पॉलिन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है,
और वो पॉलन स्टिग्मा दैट इज योनिक छत्र, इस पर से इस पे आएंगे, योनिक छत्र पे आएंगे, और उसके बाद ये जो स्टाइल है, स्टाइल जिसे वर्तिका कहा गया, मैंने पहले बताया था जो अंडाशय से जोड़ता है किसको, पराग कोष को, इसके थ्रू ये ओवरी में आएंगे, ओवरी में आएंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल, और ये ओव्यूल और पॉलन्स कंबाइन हो जाएंगे और इसी प्रक्रिया को बेसिकली आप फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं या निषेचन कह रहे हैं, और इसी के बाद फल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये जो फ्रूट ओवरी है ये बेसिकली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो ओव्यूल्स बचे हुए रह जाएंगे वो सीड्स बनते रह जाएंगे, ठीक है। सो दिस बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यही प्रक्रिया है जो वहां पे लिखी हुई थी, ठीक है। नाउ सी, कहानी ये है गाइस कि एंथर के ऊपर से, एंथर कहने का मतलब है आपका पराग कोष, पराग कोष के ऊपर से योनिक छत्र पे पॉलन्स पहुंचेंगे कैसे, यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सो बहुत तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है, अलग अलग शब्दों में लिखे जाते हैं, बड़े टेक्निकल टर्म्स, कुछ याद करने के बिना मतलब की जरूरत नहीं है। ये हवाओं से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है, बारिश के दौरान छींटे पड़ेंगे इस पे तो पॉलन्स इस पे आ सकते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है, मधुमक्खी, भावरा, ठीक है, जो रस चूसता है किस पे, कलियों पे बैठकर, समझ रहे हैं ना आप ये बातें, दिस पर्शियन डिक्शनरी एंड दिस पर्शियन लैंग्वेज, सो इज सपोज टू बी द मोस्ट एंटरटेनिंग लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ द रोमांस एंड फॉर द रोमांटिसाइजर्स, अच्छे समझ रहे हैं आप, ठीक है। अरेबिक थोड़ा सा हो जाता है वैसा, ठीक है, वो तहजीब, ठीक है, वो नजाकत, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो इंसेक्ट्स के द्वारा हो सकता है, हवाओं के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, किसी तरीके से बस इस पॉलन को यहाँ पे पहुंचना है, उसके बाद ये स्टाइल के द्वारा ओवरी तक पहुंचेगा, यहाँ पे ओव्यूल्स ऑलरेडी हैं जिसे आप डिंब कहते हैं, पॉलन से कंबाइन होगा, फर्टिलाइजेशन और निषेचन शुरू होगा और फल का निर्माण शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस होल प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन गाइस। सो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, याद कीजिए ये बात कल भी मैं रिपीट कर रहा था, अब इसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी माय नेम इज खान, एंड रिमेंबर इट इज नॉट खान, इट इज खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस, ये बात उस समय वो कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि 90% ऑफ द इंडियंस के लिए वो महज एक चुटकुला है, पता नहीं क्या बोल रहा है खान खान, बट दिस टेक्निकली ट्रू, जो नुक्ता का कंसेप्ट होता है, लाइक स्पेशली डेडिकेटेड टू अनमता एंड फैज साहब, ठीक है, ये आप समझते हैं, बाकी लोग भी जानते ही होंगे, ये जो नुक्ता का कंसेप्ट होता है, इफ आई राइट इट लाइक खान, ठीक है, एंड इफ आई राइट इट लाइक ऐसे, यहाँ पे नीचे ई डॉट गलत दे गया, यहाँ पे होता है वो, ठीक है, जो डॉट होता है क में भी आता है, ज में भी आता है, फिर ज बोलते हैं आप, ज नहीं बोलते, हिंदी में जल बोलते हैं, ठीक है, आप हिंदी में बोलते हैं क्या, मुझे एक ग्लास जल देना, नहीं, यू डोंट स्पीक लाइक दिस, बट यही बोलते हैं कि मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो रही है, जिंदगी। सो ये जो वाइब्रेशन वाला कंसेप्ट है ना, दैट अपीयर्स बिकॉज ऑफ दिस नुक्ता, सो वही वो बोलते हैं शाहरुख खान, दैट इट इज नॉट खान, इट इज खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस, ठीक है, बिकॉज इट इज द अरेबिक, इट हैज दैट अरेबिक टेक्सचर, राइट। सो एनीवेज दैट्स ओके, सो आइए वो सर, तो उसमें एक सिचुएशन होता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि भाई वो जो दोनों, मुझे सीन भी एग्जैक्टली वो याद है, बिकॉज वो जो लाइन था उसने मुझे बहुत अच्छा लगा था मुझे ऐसा देख कर, ठीक है, बट उसे समझ कितने लोग पा रहे हैं वो सोचकर मैं हंसा था थोड़ा सा, ठीक है, कि वो दे वेयर ऑन द मॉर्निंग वॉक लाइक दिस, शाहरुख खान और ये उसमें जो एक्ट्रेस होती है, कौन होती है, अरे काजोल, यस काजोल होती है वो, और उसकी एक फ्रेंड होती है, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होते हैं तो मोबाइल फोन बहुत टन 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 बज रहा होता है, तो वो अचानक से ना शाहरुख खान कहने लगता है, ठीक है, कि प्लीज प्लीज डोंट स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑफ द फोन, डोंट यूज मोबाइल, बिकॉज दिस विल कोलैप्स द होल वर्ल्ड, ठीक है, बहुत बहुत मैजिकल, आइंस्टीन ने ऐसा कहा था, ठीक है, कि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, सो इट वॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द आइंस्टीन, ट्रू, यही बात वहां कही जा रही होती है। सो किस कंटेक्स्ट में कही गई है गाइस, सी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि पॉलिनेशन के लिए यहां से पॉलन का योनि छत्र दैट इज स्टिग्मा पे पहुंचना जरूरी है, और इसमें एक बहुत सहायक भूमिका कीटों का होता है, इंसेक्ट्स का होता है, कि यहां पे वो बैठते हैं और उनके रस को चूसने के लिए भौरे हैं, ठीक है, भौरे तो रस को चूसते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो उस दौरान ये पॉलन्स जो होते हैं दाने दाने उनके शरीर में लगते हैं, और फिर इस पे से जब वो स्टिग्मा पे बैठेंगे तो जो पॉलन है यहां पे गिर सकता है। ये काम सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि भौरे मंडरा रहे होते हैं, और उन इंसेक्ट्स में भी मधुमक्खी सबसे ज्यादा काम करती है, बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी
वो फलों का वो नेक्टर सक करती है, ठीक है। सो दैट व्हाट हैज बीन टोल्ड कि मधुमक्खियां अगर इन एरियाज में बैठना बंद कर देंगी, ठीक है, तो पॉलिनेशन रुक जाएगा। अगर उनकी तादाद काफी कम हो जाती है तो पॉलिनेशन प्लांट्स में रुक सकता है, कम हो सकता है। और प्लांट्स में पॉलिनेशन कम होने का मतलब है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं होगा, फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे जो डाइट्स है, हमारा जो फ्रूट है, हमारा जो सॉरी फूड है, वो बेसिकली क्या है, प्लांट का फ्रूट ही तो है। चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे वो धान का दाना हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो लीची हो, व्हाटएवर, दे आर नथिंग बट द फ्रूट्स। एंड फ्रूट कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द निषेचन और फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जिस प्रोसेस के तहत होती है वो पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन में कीटों की सबसे अहम भूमिका होती है। उन कीटों में भी मधुमक्खी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज फूलों से उनका संबंध कुछ ज्यादा रोमांटिक सा है, ठीक है, फॉर द इन द परस्यूट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ देयर हनी, राइट। सो ये बात आइंस्टीन साहब ने कही थी और यही बात शाहरुख खान साहब समझा रहे थे। सो आई गेस गाइस ये क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिए ऑल ओके और नॉट, ठीक है। ये पॉलिनेशन वाला कंसेप्ट, ये फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट सब समझ गए कि नहीं, एक बार जल्दी से मुझे बताइए। तो सर फोन यूज नहीं करना चाहिए, कनिष्का देखिए करिए, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है चीज़ें अब लाइफ में जो आ गई है ना, ठीक है, फोन का यूज़ नहीं करना। हमें इन चीज़ों की ऐसी आदत लग गई है और एक ऐसा सिस्टम डिफाइन हो गया। मेरे कहने का मतलब है अकबर के पास तो कोई मोबाइल फोन था नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वॉर्स और सक्सेसफुल वॉर्स और कम्युनिकेशन चैनल किसी एम्पायर या किसी किंगशिप के अंदर डेवलप भी नहीं हुई थी, ठीक है। ना न्यूटन के पास मोबाइल फोन था, ना आइंस्टीन के पास मोबाइल फोन था, ठीक है, सबने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। इट्स जस्ट अबाउट द हैबिट। मधुमक्खी का फोन से क्या संबंध है, वो चीज तो मैंने वहां बताई नहीं, बिकॉज आप जानते हैं कि ये जो फोन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स बेसिकली उनको अपना रास्ता घर से तो निकलते हैं, एक भौरा निकला कहां, फूल की तलाश में, यस राइट। सो उसके बाद में इन रेडिएशंस की वजह से वो वापिस अपने घर पे नहीं आ पाते हैं और फिर क्या होते हैं, भटकते हैं, मौत होती है। सो मेनी ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दे हैव देयर नंबर हैज बीन वेरी शार्पली डिक्लाइंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट 2-3 decades जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल कम्युनिकेशन। बट फैक्ट वही है कि हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, बट एक इक्विलिब्रियम हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है, जल्दी से ओके की रिपोर्ट चाहिए ताकि इस कहानी को हम आगे बढ़ा सकें, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 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 कार्पेल नहीं यार, ये कौन बोल रहा है, इज पिस्टल नैन्सी, पिस्टल इज नॉट कार्पेल, राइट। कार्पेल बेसिकली अब छोड़ दीजिए ना, नए शब्द पे जाइए ही मत, ठीक है, डोंट, कार्पेल एंड मेटाकार्पेल आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, पेटल्स मत जाइए नए शब्दों पे, ठीक है। जो शब्द यहाँ पे मैंने बताया है ना पिस्टल में उतने तक रहिए, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है, ओके 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 ओके, चलिए ओके की रिपोर्ट है तो आगे बढ़िए। नए जितने भी नए वर्ड्स अगर जिसको मेनेंसी मैं आपको भी कह रहा हूँ, लाइक यू हैव द रिसेप्टेकल, सेपल, स्पेंडुकल, जाने की जरूरत नहीं है, वो यूजलेस है। और मैं बिना मतलब का साइंस आप लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसी चीज पर 5 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, बट दैट्स ऑफ नो यूज, राइट। सो जो दिख रहा है उसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है। सो गाइस ये एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या इनके हिस्से इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी वाले कृपया करके हिंदी वाला नाम लिख लीजिएगा, और मैं स्क्रीन से अलग हो चुका हूं तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, ठीक है, और ये तो आप कल भी ले चुके हैं, राइट। सो अगर हम कहानी को अपने आगे बढ़ाते हैं यहां से, ठीक है, तो फिर ये फर्टिलाइजेशन का वही प्रोसेस है जो एज इट इज लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हिंदी वाले भी इसमें तकलीफ में नहीं आए क्योंकि छोटे छोटे लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये हिंदी वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट, बट यस ये सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, राइट। सो मूविंग अहेड गाइस, राइट, ये भी वही वाली बात लिखी हुई है, ठीक है, दैट फाइनली जो होता है ना, इसमें कुछ नहीं है, ये सारी बातें मैं वही पीछे से बोल रहा था कि फाइनली जो होता है ना, जो ओवरी आपने देखा फीमेल पार्ट, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ये बात दिमाग से हटाइएगा मत, ठीक है। सो यहां भी मतलब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं, हिंदी वाला शब्द जो लिखा हुआ है ना उसका जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे आइए। वही पॉलिनेशन वाली बात बता चुका हूं मैं सब कुछ, दो कंसेप्ट, पॉलिनेशन परागकरण को कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, विदाउट पॉलिनेशन यू कैन नॉट हैव द फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिन इज बेसिकली व्हाट, पॉलिन ग्रेन्स जो स्टिग्मा में होता है, सॉरी सॉरी जो वहां पे होता है एंथर में होता है, वहां से स्टिग्मा में पहुंचना,
इस प्रोसेस को आप बेसिकली क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, परागकरण कहते हैं। तो इसी के बाद तो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है ना, वो जो पॉलन ओवरी तक पहुंचता है, फिर ओव्यूल से कंबाइन होता है, तो वो निषेचन की प्रक्रिया होती है। सो बेसिकली निषेचन की प्रक्रिया प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में परागकरण के बिना नहीं हो सकती है। और परागकरण इन इस परिवेश में, इस एनवायरमेंट में कैसे हो रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया। सो पॉलिनेशन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, आइदर इट इज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी स्व परागण और पार परागण कहते हैं इसे, ठीक है। स्व परागण बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर के अंदर यू हैव द मेल पार्ट एंड यू हैव द फीमेल पार्ट, याद है ना, दिस इज एंथर पराग कोष एंड दैट इज स्टिग्मा, दैट इज योनिक छत्र। सो ठीक है, बस पॉलन को यहां से यहां पे आ जाना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन तो यहां पे हो ही जाएगा, और फिर ये वाला हिस्सा जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पत्तियां होती है फूल की, जो ये पंखुड़ियां होती है गाइस, जिसको आप सेपल्स कहते हैं, बस दिमाग में रखने के लिए मैंने बताया, नॉट नीडेड। ये बेसिकली क्या होती है, ओवरी का प्रोटेक्शन होती है, जो बेसिकली गुलाब की या किसी भी फूल की जो सुंदर पंखुड़ियां, जो जो हिस्सा हमें अच्छा लगता है, वो बेसिकली क्या है, ओवरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कि नो दिस इज द थिंग फ्रॉम वेयर बेसिकली द रिप्रोडक्शन हैज टू टेक प्लेस। सो वो जो कलरफुल पेटल्स होती हैं या सेपल्स कहते हैं जिन्हें, वो बेसिकली दे आर नथिंग बट द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। सो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, तो पॉलिनेशन हो जाएगा एक ही फ्लावर के अंदर, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन। और पार परागण, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन उसे कहते हैं, जब ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि लाइक एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये मेल पार्ट है और इस फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है, सो इसका मेल पार्ट किसी दूसरे मतलब फूल के फीमेल पार्ट पे आए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें कंसेप्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फूल के अंदर परागकरण हो जाए, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दो अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके लिए कौन कहां कितना उपयोगी है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। सो बस ये दो शब्द याद रखिएगा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। और ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं जब भी 10-15 सेकंड के लिए स्क्रीन से बाहर आऊं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए प्लांट को जो हमने पहले वहां पे शुरू में डिवाइड किया था ना गाइस, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में, प्लांट को एंजियो और जिम्नो में डिवाइड किया था ना, सो एंजियोस्पर्म वाली कहानी तो आपने देखी, और जिम्नोस्पर्म यहां पे आपके सामने है, इसको हिंदी में कहा गया है अनावृत बीजी। क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड डाल देगा ना जिम्नोस्पर्म और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये है क्या जिम्नोस्पर्म, आप देखेंगे तो वहां भी समझ, दोनों फ्लावरिंग प्लांट ही है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद में रखना है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर ए ग्रुप ऑफ द प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस सीड्स, बीज तो दोनों में प्रोड्यूस होंगे, दैट आर नॉट कंटेंट विद इन द ओवरी और फ्रूट। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि जो फल होता है ओवरी, उस वो बेसिकली जो फ्लावरिंग फ्लावर है उसका ओवरी वाला हिस्सा होता है, वही बहुत बार बता चुका हूं। सो बीज जो है बेसिकली, बीज क्या बनता है, क्या बताया था मैंने, बीज ओव्यूल्स होते हैं जिसे डिंब कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल, राइट। सो वो बाद में जो बचे रह जाते हैं, ठीक है, मतलब पॉलन से जो कंबाइन होगा, एक पॉलन से कंबाइन हुआ दूसरे पॉलन से, जितना पॉलन पहुंचा कब, बाकी जो बच गए ओव्यूल्स वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ओवरी फल और सीड्स ओव्यूल्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, अब जनरली टेक्निकली जैसे आप अमरूद खा रहे हैं, तो अमरूद बेसिकली क्या है, ओवरी है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर का जो सीड है वो बेसिकली क्या है, ओव्यूल है। तो फूल फल के अंदर बीज होता है, दैट इज एंजियोस्पर्म, जो पिछला हमने देखा था। यही एक डिफरेंस आप याद रखिएगा, बाकी हमें डॉक्टर तो बनना नहीं है, ना ही फिर बोटानिस्ट बनना है, ठीक है, ना बोटानिकल गार्डन का किसी बोटानिकल गार्डन की शुरुआत करनी है। सो इतना याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्म में जो होता है ना बेसिकली गाइस, वो जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गुआवा, ठीक है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, उन पौधों का समूह होता है जो उन बीजों का उत्पादन करता है जो एक अंडाशय या फल के भीतर निहित नहीं होते हैं, बीज हवा में खुले होते हैं और परागण द्वारा सीधे निषेचित हो जाते हैं। सिंपल सी बात है ना, यहां पे देख लीजिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूं गाइस, कुछ एग्जांपल भी मैंने दिए हैं, सेडार, स्प्रूस, पाइन, और अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये सब हिली एरियाज के प्लांट्स हैं, दे आर बेसिकली द कोनिफेरस ट्रीज, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट कम्युनिटी सबसे ज्यादा किस बायोम में एग्जिस्ट करती है, यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, आई बेटर नो दैट, ठीक है।
सो एक एपिफाइट्स का टर्म भी आता है, एपिफाइट पे मैं आऊंगा, बट जिम्नोस्पर्म की मैं बात बता दूं, जिम्नोस्पर्म कॉनिफेरस फॉरेस्ट के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिखाया है, जो कोन शेपेड ट्रीज दिख रहे हैं ना आपको, अगर ज्योग्राफी की क्लास में शंकुधारी वन जिसे कहते हैं, जो बेसिकली हिली एरियाज में होते हैं, नॉट एट द वेरी गुड हाइट, बहुत ऊंचाई पे नहीं, क्योंकि वहां पे तो फिर यू हैव द टुंड्रा टाइगा वेजिटेशन और द पोलर फॉरेस्ट्स, राइट, आर्कटिक एंटार्कटिक एरियाज में नहीं, मतलब मिडिल हाइट पे, नॉट ऑन द प्लेन्स, नॉट एट द टॉप, बीच में पर्वतों पर, ठीक है, बियॉन्ड 1000 मीटर के आसपास, ये जो ऊंचाई पर जो पौधे होते हैं ना, ठीक है, जिसमें बेसिकली कोन शेपेड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये भी क्यों होता है, इनकी जो पत्तियां होती है वो निडल शेप्ड होती है, निडल शेप्ड ऐसी पत्तियां होंगी ऐसे, ठीक है, ये सब वाटर लॉस को प्रिजर्व करने का तरीका होता है, क्योंकि पत्तियां अगर ज्यादा चौड़ी हो जाए, तो आपको पता है ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा जल का नुकसान होगा, एंड एट दैट हाइट अगर वाटर की कमी है, अगर वाटर स्कैर्स रीजन है, तो प्लांट्स वाटर को कंजर्व करना चाहेंगे, इसलिए, ठीक है, पत्तियां पतली हो जाती हैं, और शंकुधारी एक्समस ट्री देखा है ना आपने गाइस, वो चीज मैं कह रहा हूं, ऐसे क्यों हो जाते हैं, बिकॉज एट दैट हाइट स्नोफॉल से बचने के लिए, ठीक है, पत्तियां ऐसी कैनोपी बना लेती हैं ताकि बर्फ स्लाइड कर जाए। सो ये एडेप्टेशन प्लांट्स में आता है, उन्हीं एरियाज में दिखा जाता है, लगभग एट द हाइट ऑफ द 1000 मीटर और समथिंग क्लोज टू दैट, जहां पे ना ज्यादा ठंड है ना ही बहुत बर्फ है, लेकिन बर्फ हो तो पेड़ उससे बच सकते हैं। दिस काइंड ऑफ द ट्रीज, दिस फॉरेस्ट्री इज बेसिकली कॉनिफेरस फॉरेस्ट्री, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट्री जिम्नोस्पर्म के लिए जाना जाता है। एकदम गांठ बांध के रट के इसे अपने अंदर रख लीजिएगा, ठीक है, तो कितनी बार ये सब क्वेश्चंस आते हैं और आप छोड़ते हैं, आप खुद ही महसूस कीजिएगा। लेट मी कम विद दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द ऐप गाइस, राइट। सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आप समझ गए, आई होप, एक बार मुझे बता दीजिए इसमें कोई डाउट है कि नहीं, या कॉनिफेरस में भी अगर किसी को डाउट है तो मेरे को बता दीजिए। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यस सर, जी सर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कहानी को हमें खत्म भी करना है। यस ध्रुव सही कह रहा है, कॉनिकल ट्रीज, जिम्नोस्पर्म, टेम्परेट फॉरेस्ट। स्नेहा, यस, टेम्परेट एंड कॉनिफेरस थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है, बट यस यू कैन से टेम्परेट फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं एक शब्द और आप लोगों से पूछ लूं कि साउथ के यही टेम्परेट फॉरेस्ट जो कॉनिफेरस का नाम हम ले रहे हैं उनको क्या कहते हैं, इफ यू कुड रिमेंबर दैट वर्ड, शोला फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए, लाइक एप्पल, यस सर, जी सर, समझ गया, ओके की रिपोर्ट है। हमारे यहाँ होते हैं। फैज बाबू कहाँ, आप हिली एरिया, उत्तराखंड से हैं क्या? नो प्रॉब्लम, क्रिस्टल क्लियर सर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। यार ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ अच्छा चीज में डिस्कस कर रहे हो और आप लोग इतने अच्छे तरीके से समझ गए ये कह देते हैं, ठीक है। सो ऑल राइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। एक ही डिफरेंस हमें दिमाग में रखना है कि एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं, व्हिच इज ओव्यूल्स, वो फ्रूट जो कि ओवरी होता है उसके अंदर होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में बेसिकली क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो बाहर एक्सपोज्ड होते हैं। दैट व्हाट हैज बीन रिटन, विद इन एन ओवरी और द सीड्स दैट आर नॉट कंटेन्ड विद इन एन ओवरी और फ्रूट, जो देख रहे हैं बेसिकली गाइस, वो ओवरी के अंदर नहीं, बाहर ही होते हैं, और फिर सीधा उनमें फर्टिलाइजेशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, और एंजियोस्पर्म में वो बीज अंदर होते हैं, लाइक गुआवा एंड ऑल, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, और जिम्नोस्पर्म्स के लिए आप कॉनिफेरस शब्द भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट्री में जानते हैं ना, सेडार, पाइन, ओक, ये सब, ठीक है, आप बिल्कुल उस पर मत चले जाइएगा, बिल्कुल ठंडे एरिया में, जो टुंड्रा टाइगा वाले एरिया में, नो, वो तो एक अलग प्रकार की वेजिटेशन है, वो तो एक अलग प्रकार का बायोम है, राइट। उसके बाद एंजियोस्पर्म को गाइस फिर से तोड़ा जाता है मोनोकॉटिलेडन में और डाइकॉटिलेडन में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, दैट इज मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट हाँ, मोनोकॉटिलेडन में, एक सेकेंड गाइस, मोनोकॉटिलेडन और मतलब आप एग्जाम्पल दें, नाम याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म को फर्दर तोड़ दिया जाता है, मतलब आप देखेंगे ना, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल चना की मैं बात करता हूँ, ग्राम, जैसे इस चीज को कैसे महसूस करना है, आप चना का दाना अगर देखेंगे, उस पर अगर कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ मारेंगे, एक छोटा मोटा हथौड़ा या किसी चीज से, उसको थोड़ा सा ना प्रेस करेंगे, वो टूट जाता है दो दाने में। अच्छा, गेहूं के बीज को अगर आप देखा हो आपने, जरूर देखिए, ठीक है, इंसान हो के इंसानियत मत बोलिए कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि ओ माय गॉड गेहूं का दाना कैसा होता है, प्लीज डोंट बी लाइक दैट, उस इंसान वो एलियननेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंसान बेसिकली वही है जिसके अंदर कितना बड़ा सागर है उसको देख के, उसके बात करके महसूस ना हो, और वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिवेश में, ठीक है।
अनकंफर्टेबल ना हो जाए, अपनी आदतों का गुलाम ना हो जाए, अपनी हैबिट्स से गुलाम ना हो जाए, ठीक है, ऐसे इंसान मत बनिए, ठीक है। दैट इज नॉट बेसिकली द कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क और द स्ट्रक्चर ऑफ होमो सेपियन। आप ऐसे बनिए कि आपको परिस्थितियां परेशान ना कर पाए, आप ऐसे बनिए, ठीक है, कि आपको अपनी आदतें, भाई मेरे आदतें मेरे हिसाब से होगी, ये कैसे हो सकता है कि आदतें मुझे गाइड करेंगी, ठीक है। सो बी ए पर्सन ऑफ दैट कैटेगरी और हो जाएगा। आप लोगों के अंदर का जो लोहा है वो टेलीग्राम पे दिखता है मुझे, एंड थम्स अप फॉर दैट एंड बेस्ट ऑफ ऑल द लक। दोस थिंग्स डेफिनेटली आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी ग्रेट इन द टाइम टू कम। बस कभी अगर टाइम की जरूरत पड़े तो अपने नर्व्स को होल्ड कीजिएगा, पेशेंस थोड़ा सा मेंटेन करना है गाइस, नथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नाइस, राइट। सो वो चना का दाना टूट जाता है दो, मतलब एक चना का दाना अगर ऐसे थोड़ा मार देंगे ना, छोटा सा कुछ ऐसे प्रेस कर, वो टूट जाता है दो छोटे छोटे दाने में, ऐसे आप देखेंगे। सो एक बेसिकली डाइकोटिलेडन, ये डाइकोटिलेडन का कॉन्सेप्ट, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, मतलब ऐसे आप परसीव कर सकते हैं दैट एंजियोस्पर्म्स फर्दर मोनोकोटिलेडन्स में और डाइकोटिलेडन में टूट जाते हैं, मतलब तोड़े जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने देखिए मोनोकोटिलेडन में कुछ एग्जाम्पल दिए, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं जो मैं कह रहा था वो टूटेगा नहीं ना दो दानों में, कॉर्न हो गया, मक्का जिसे बेसिकली उसको भी अगर आप कूचते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं टूटता है दो तरीके से जैसे चने की तरह, ठीक है। और डाइकोटिलेडन में बीन्स, मतलब बेसिकली जो लगभग दाल सब होते हैं वो डाइकोटिलेडन ही होते हैं लगभग, ठीक है। देन यू हैव द गोभी, नाशपाती, ये भी कभी कभी ना एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं गाइस, ठीक है, इनमें से कौन सा, स्टेट पीसीएस के बड़े पेटेंट क्वेश्चन होते हैं सब, ठीक है। सो और सारे एग्जाम्पल की लिस्ट में दूंगा आप लोगों को, एक पुराना चार्ट ही दे दूंगा, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एक वो वाले एरिया कि कौन से फल का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, ठीक है, एक इसका एक पूरा चार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा, डोंट वरी। ये सब दुख दर्द बहुत खतरनाक है, मैं अच्छे समझता हूं, और मेरे पढ़ाने के बाद ये दुख आपको नहीं होगा, दैट्स माय अश्योरेंस, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा ना फॉलो कीजिएगा मेरी उन बातों को, महसूस, मतलब फॉलो कीजिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपना ज्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाना है, ठीक है। सो मोनोकोटिलेडन, अच्छा मोनो, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल, मतलब अगर थोड़ा सा रफली मैं एक और क्लासिफिकेशन, ये जो अंतर है इनका बताना चाहूं, तो मोनोकोटिलेडन में जनरली देखा जाता है, पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, कि इनका जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस होता है। फाइब्रस कहने का मतलब कि रेशेदार, मतलब फैली हुई, फैला हुआ रूट सिस्टम जिसे फाइब्रस कहते हैं। जैसे अगर ये प्लांट है तो फाइब्रस रूट सिस्टम इज लाइक दिस, ठीक है, बहुत ज्यादा फाइब्रस, ठीक है, दिस इज योर फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, स्प्रेडेड। और एक ये फीचर इसका आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोटिलेडन में, ठीक है। और दूसरा जो है ना, पत्तियों में जो वेनेशन होती हैं, पत्तियों में जो वेनेशन होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे पत्तियों को आपने गौर से देखा होगा ना, तो एक पत्ती जो बेसिकली है वो क्या होगी, इट्स लाइक ऐसे एक पत्ती है, ठीक है। सो इसको अगर आप रफली देखें, खास करके अपर सर्फेस से ज्यादा नीचे वाला सर्फेस, ठीक है, क्योंकि अपर सर्फेस पे ना वैक्सी कोटिंग होती है, वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है लीव्स का। सो नीचे वाला सर्फेस, तो उस पे ना जो पैरेलल वेनेशन आपको दिखेंगे, वेनेशन मतलब ये नसें, ये वेन्स का मतलब है ये सब, सो वो ना पैरेलल रफली दिखता है आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल वेनेशन। ये एक दूसरा फीचर आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मोनोकोटिलेडन में, दो बातें याद रखिएगा, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम जाना जाता है मोनोकोटिलेडन्स में, और पैरेलल समानांतर नसों की व्यवस्थाएं पत्तियों के नीचे आपको देखने को मिल सकती हैं, और पैरेलल वेनेशन क्या है मैंने आपको समझाया, और डाइकोटिलेडन में इसका उल्टा समझ जाइएगा, उसमें टेपर्ड रूट सिस्टम होता है, एंड वी हैव द नेट वेनेशन। मतलब अगर यहां पे मैं आपको बताऊं डाइकोटिलेडन में, तो इसमें टेपर्ड रूट सिस्टम, वहां पे क्या था, पैरेलल था, यहां पे टेपर्ड, टेपर्ड मतलब जड़ें हैं, विस्तृत तो हैं लेकिन गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, और जो उनमें ब्रांचिंग है वो ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू द मोनोकोटिलेडन्स। सो इसको टेपर्ड रूट कहते हैं, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, विस्तृत तो है लेकिन बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी। और दूसरा, उसमें जो पत्तियों में वेनेशन था वो पैरेलल था, यहाँ जो पत्तियों में वेनेशन था वो पैरेलल था, ठीक है, दिखेगा आपको गौर से देखेंगे तो। और यहाँ पे जालीदार होती है, जालीदार मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा जाल की तरह दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जाल, जाल कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है,
वो जाल की तरह दिखेगा और इसमें ना समानांतर वो वेन्स ट्रेवल करती हुई दिखेंगे। दैट इज बेसिकली दो डिफरेंस आपको मोनोकॉटिलेडंस में और डाइकॉटिलेडंस में याद रखना है। ठीक है गाइस, ऑल राइट, जल्दी से बताइए सब ओके है कि नहीं। ठीक है, सब ओके है कि नहीं, बिकॉज इससे ज्यादा आपको अंदर जाने की इसमें कहीं से कोई जरूरत नहीं है गाइस। रेक्टिलेट वेनेशन एंड टेपर्ड रूट, यस प्रगति आप एकदम सही कर रही है। डाइकॉटिलेडन लाइक मैंगो, यस हाँ सर। पैरेलल वेन्स, बस ये दो, ज्यादा इसके पपीता की पत्ती, यस यस सर। बी ट्रीट, हाँ ओके 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 ओके। चलिए अब जल्दी से वो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का, ज्यादा इसके अंदर गाइज नहीं जाना है प्लीज, मतलब बोटानिस्ट हमें नहीं बनना है, ये बार बार मैं बात समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा एक चीज और आ जाइए ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के कॉन्सेप्ट पे। पिछला जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज ये क्वेश्चन आया था। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन नहीं पढ़ा जाए तो तकलीफदायक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बता ही चुका हूं, एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां पे दिखा देता हूं। वो फ्रूट जहां मैंने क्या बोला अभी तक चीख चीख के कि फ्रूट बेसिकली ओवरी फ्रूट का रूप लेता है और ओव्यूल्स बीज बनता है फल में। सो ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर। बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कहानी खत्म। ठीक है, कि ट्रू फ्रूट वो फ्रूट है जिसमें जो ओवरी होता है वो फल में कन्वर्ट होता है। बता ही चुका हूं, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, लाइक वाटरमेलन, लेमन, चेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरीज, सब, इवन बनाना, कोकोनट, ये सब मतलब जनरली जो फ्रूट्स हैं। ठीक है, जनरल, उसमें कुछ अनजनरल भी है, मतलब अनकॉमन चीजें भी नहीं, कुछ पॉपुलर फ्रूट्स भी ऐसे हैं जो ट्रू फ्रूट नहीं होते, जैसे देखिए उसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने बता देता हूँ फॉल्स फ्रूट में, सॉरी बनाना इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। सो एप्पल बड़ा पॉपुलर फ्रूट है लेकिन फॉल्स फ्रूट है, बनाना ठीक है, कैश्यू, ये फॉल्स फ्रूट क्या हो जाता है, वो फ्रूट जिसका ओवरी छोड़ के बाकी कोई और हिस्सा, हिस्से तो आपने बहुत सारे देखे हैं ना पीछे, ठीक है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, सो ओवरी छोड़ के बाकी और कोई हिस्सा फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ओवरी और कोई नया हिस्सा मिलकर फ्रूट का निर्माण करते हैं, मतलब वो फॉल्स फ्रूट कहलाता है। ठीक है, ट्रू फ्रूट जिसमें सिर्फ ओवरी फ्रूट बनता है, फॉल्स फ्रूट जिसमें ओवरी तो फ्रूट नहीं बनता है, अगर ओवरी भी है तो उसके साथ और कुछ पार्ट्स फ्लावर के इन्वॉल्व होके तब फ्रूट का निर्माण करते हैं। सो दैट इज फॉल्स फ्रूट का कॉन्सेप्ट है। और इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे एप्पल हो गया, सबसे पॉपुलर फ्रूट है, लेकिन कभी आप इमेजिन कर पाएंगे क्या, अगर आप ट्रू और फॉल्स नहीं जानते हैं तो कभी एप्पल को फॉल्स फ्रूट लिख पाएंगे, कोकोनट इज द ट्रू फ्रूट। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं गाइस, जैसे स्ट्रॉबेरी, मतलब ये फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स हैं, एप्पल, बनाना, इन चीजों में आप कंफ्यूज होते रह चले जाएंगे। ठीक है, सो ये जो बाकी फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, दिस ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट का पहले डेफिनेशन आपने देख लिया। ठीक है, बाकी और भी फ्रूट्स आते हैं ऐसे जिसमें ये क्वेश्चन आता है कि इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, उसका किसका रूट खाया जाता है, किसका स्टेम खाया जाता है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, देखिए हमें तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है ना, हम किसी फल को देख के ये तो नहीं समझ सकते ना कि ये कौन सा हिस्सा है फ्लावर का। सो वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी जो एक दो एग्जांपल मैंने दिए, ठीक है, बाकी मैं कल आपका इसका पूरी चार्ट दे दूंगा, कुछ पॉपुलर नाम ट्रू फ्रूट के, फॉल्स फ्रूट के, 10-12 होते हैं। ठीक है, 10-12 फॉल्स वाले याद रखने होते हैं, फिर किस प्लांट, किस फ्रूट, किस फ्लावर का, किस प्लांट का कौन सा हिस्सा खाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स भी मैं आपको दे दूंगा एज इट इज। कल की जो क्लास होगी ना उसके शुरू में वो 2-3 स्लाइड्स होंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा, पीपीटी और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है गाइस, सो आज ये कहानी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आर फॉल्स फ्रूट एप्पल में थैलेमस भी, अब सब मैं बताऊंगा किसका थैलेमस होता है, किसका एपिडर्मस होता है, किसका, सब मैं कल बता दूंगा आप लोग को, हम याद रख लेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर गाइस। So, ये बात तो यहाँ पे खत्म होती है। एक बात जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा था अनएकेडमी के बारे में, वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई जो इनका जो सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, एडवांटेज लीजिए अगर इन चीजों का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, कि अगर 1 ईयर प्लान लेते हैं तो नेक्स्ट प्रीलिम्स तक वैलिड है, ठीक है, और 2 ईयर प्लान लेते हैं तो 2023 प्रीलिम्स तक वो वैलिड होता है। सो 3-4 महीने का ये एक्सटेंशन मिल जाता है, क्योंकि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एक साल का ही होता है। सो उन चीजों का फायदा उठाइए, बिकॉज जिस प्राइस पे चीजें आपको मिल रही हैं, बीट प्लस और आइकॉनिक, ठीक है, उससे कई गुना ज्यादा आप खर्च करते हैं, ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में। प्रैक्टिकली 95% स्टूडेंट ये करते हैं और एंड में ये चीजें समझ में आती हैं, राइट गाइस। सो डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग्स, यू हैव द कॉम्बो ऑफर्स, यू हैव द आइकॉनिक, यू हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट, यू हैव द फ्री टेस्ट, ठीक है, दैट इज अनअकैडमी पाथ फाइंडर, यू हैव द
exclusive courses on this Plus platform in the form of NCRTs and all. You have the India's biggest scholarships test जो combat के नाम पे आप जानते हैं, उसके लिए आप चीजों मतलब एक्टिव रहिए, इन चीजों में इनरोल कीजिए और इन चीजों का फायदा उठाइए गाइस. दे आर टर्निंग आउट टू बी क्वाइट एडवांटेजियस फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स. सो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही. देख रहा हूँ कि मैं बड़ा फल वाला माहौल आप लोगों का बन गया है, ठीक है. और आज के लिए बस इतना ही. अब इसके बाद हिस्ट्री वाली क्लास में मिलते हैं 8 बजे, ठीक है. टिल देन बाय बाय, राइट.